एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मोनिका और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही यूजफुल वीडियो है न्यू मदर्स के लिए और जिनका बच्चा छोटा है उनके लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। तो आज का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ तो मैं अपने साथ क्या क्या कैरी करती हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरा फर्स्ट एड बॉक्स, ये मिल्टन का फर्स्ट एड बॉक्स है, ठीक है, मिल्टन का है और इसको मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था 150 रुपीज़ में। इसका बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और ट्रैवलिंग में भी बहुत ही ईजी रहेगा आपको। बस आपको कुछ नहीं करना है, अपने सभी मेडिसिन इसी में स्टोर करने हैं आपको और ये हमेशा रेडी रखिएगा बॉक्स, क्योंकि कहीं ट्रैवल करना है तो जस्ट इसको कैरी किया और बैग में रख दिया तो बहुत ही ईजी हो जाएगा और आप कोई भी मेडिसिन मिस भी नहीं होंगे। सो देखिए, और अगर आपको ये बॉक्स अच्छा लगा और आपको ये बॉक्स चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बॉक्स लॉक रहता है और 2 कंपार्टमेंट्स है, 1 एंड 2। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या क्या कैरी रखा है अपने फर्स्ट एड बॉक्स में। कुछ चीज़ें मिसिंग है पर मैं ट्रैवल करने के पहले उसे भी फिल कर लूँगी। चलिए शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ क्या क्या मैं कैरी करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपने साथ कैरी करती हूँ थर्मोमीटर, जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कैरी करने के लिए, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं टेम्परेचर वेदर सब चेंज होता है, बच्चों के लिए खास सडन चेंज वो लोग बियर नहीं कर पाते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होने लगता है। तो थर्मामीटर बहुत ही ज़रूरी है जब आप बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट है ये देखिए, ईयर वैक्स क्लीनर, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। बाहर जाने के बाद अगर आपने बच्चों का कान कवर नहीं किया तो उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए, इसमें लाइट भी आता है और अगर आपको ये भी पसंद आया तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने ये अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, ये बैटरी पे चलता है, यहाँ से बैटरी डालना पड़ता है और ये मुझे पड़ा था 100 रुपीज़ में और बहुत इजी भी है ये वैक्स क्लीन करना इससे। सो नेक्स्ट, मैं एक प्लकर भी कैरी करती हूँ अपने साथ, कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए नहीं बता सकते इसलिए मैं ये कैरी करती हूँ और बच्चों के साथ तो ये देखिए ये कैरी करती हूँ मैं, ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखती हूँ अपने साथ क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जल्दी इजीली मिलती भी नहीं है और अब इस छोटी सी चीज़ के लिए वहाँ जाने के बाद ये छोटा सी चीज़ अगर आपका घूम गया तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। क्योंकि ये देखिए, इसको कैप है बेबी को दवाई देने के लिए और पूरा ml के हिसाब से देखिए, 0.25 ml, 0.2 ml, 0.4, 0.6, सब ml भी इधर देखे हैं तो इजी होता है आपको बच्चों को। मेन 0 to 6 months के बेबीज़ को मेडिसिन देने के लिए बहुत ही इजी होता है। सो ये सब चीज़ें थी फर्स्ट कंपार्टमेंट में। एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, मैंने लास्ट में एलसी किट की टैबलेट नहीं रखा है अभी तक इसमें, मुझे उसको डालना है पर मैं ट्रैवल करने के पहले ज़रूर रखूँगी। सर्दी के लिए है वो, कोल्ड के लिए है, मैं अपने 2.5 years बेबी को देती हूँ क्योंकि वो सिरप या ड्रॉप्स कुछ भी नहीं लेता है तो मैं उसको दूध के साथ लास्ट में एलसी किट डीटी दे देती हूँ तो मेरे लिए इजी रहता है, वो मेडिसिन भी खा लेता है, सर्दी भी ठीक हो जाती है और उसको पता भी नहीं चलता है कि उसने मेडिसिन दी है। ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है। चलिए देखते हैं सेकेंड कंपार्टमेंट में क्या क्या रखी हूँ। बेसिक दवाइस मेडिसिन रखी हूँ मैं, जो डेली बेसिस में मैं देती हूँ। मैं अपने बेबी को जिंकोविट देती हूँ, अगर आपको जिंकोविट का पूरा वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल में ज़रूर देखिएगा, मैंने जिंकोविट का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। नेक्स्ट मैं डोकोवाइज देती हूँ, ये देखिए डोकोवाइज, ये मैं ब्रेन डेवलपमेंट के लिए देती हूँ। देखें, अगर आपको इसके ऊपर भी फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो ज़रूर करूँगी डोकोवाइज का, जिंकोविट एंड डोकोवाइज। ये मैं रेगुलर बेसिस में देती हूँ, ये मैं 0.5 ml देती हूँ, ये 0.3 ml देती हूँ मेरे बेबी को, रोज़ देती हूँ मैं। नेक्स्ट मैं अपने 4 months के बेबी के लिए क्या क्या बेसिक मेडिसिन कैरी करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पैरासीटामोल, कैलपॉल, GSK का है और मैं P125 ड्रॉप्स भी कैरी करती हूँ, ये दोनों हमेशा मैं अपने साथ रखती हूँ फीवर के लिए। नेक्स्ट है बेसिक में कफरील LS,
जो कफ के लिए आते हैं, खांसी के लिए, सभी बच्चों को यही देते हैं। नेक्स्ट विकोरिल एएफ है, सिनारेस्ट भी आता है। मैं सिनारेस्ट यूज़ करती थी पर उसका टेस्ट मेरे बेबी को बिल्कुल पसंद नहीं आया तो वो नहीं पीता था उसको, इसलिए मैंने अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके चेंज किया है विकोरिल। इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा है तो वो पी लेता है आराम से, तो टेंशन नहीं है मुझे। और ये सब कहीं भी आप ट्रैवल करते हैं तो एक दिन पहले ज़रूर अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करिए कि कितने ml में देना है। फीवर के लिए जैसे कैल्पोल मैं यूज़ करती हूँ, टेम्परेचर के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से इसका डोज कितना देना है आप एक बार अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट करके ही दीजिएगा। अपने मर्ज़ी से बच्चों को कभी दवाई मत दीजिएगा। सो ट्रैवल करने के एक या दो दिन पहले पीडियाट्रिशियन के पास जाइएगा और ये सब बेसिक दवाई के जितना भी देना है डोजेस क्या है वो आप अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट करके एक नोट करके इसी फर्स्ट एड बॉक्स में रख लीजिए ऊपर की कैल्पोल का इतने ml देना है, टेम्परेचर इतना क्रॉस हुआ तो इतने घंटे में एक बार देना है, खांसी का कफरील का कितना देना है वो भी 0.5 ml या 0.3 ml जो भी आपका पीडियाट्रिशियन बताते हैं नोट करके अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख लीजिएगा। कभी भी ये चीज़ वेस्ट नहीं होगा, आपको ज़रूरत का ही बहुत ही यूज़फुल रहेगा। सो ये थे बेसिक मेडिसिन जो मैं अपने 4 months बेबी के लिए यूज़ करती हूँ। और मेरे 2.5 ईयर्स के बेबी के लिए मैं सबसे पहले P500 यूज़ करती हूँ फीवर के लिए, ये कैरी करती हूँ। कॉफ स्टफ ए कैरी करती हूँ, अभी मेरे पास बॉक्स में नहीं है अवेलेबल पर मैं ट्रैवल करने के पहले उसको भी बॉक्स में रख लूँगी अपने फर्स्ट एड बॉक्स में। विदाउट मैं ये मेडिसिन बाहर कहीं भी ट्रैवल नहीं करती हूँ, जैसे अपन कपड़े पैक करते हैं वैसे मैं बच्चों के मेडिसिन पैक करती हूँ कहीं बाहर जाने के पहले। सो P500 है पहला। और ये देखिए मेफ्ता जेसिक पी, ये भी मैं कैरी करती हूँ। ये है पैरासीटामोल एंड मेफनामिक एसिड सस्पेंशन, ये मुझे कैरी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे बच्चे को, बड़े लड़के को 103-104 से कभी भी बुखार कम नहीं आता है, तो ये मैं हमेशा कैरी करती हूँ अपने साथ। कफ स्टॉफ एक और कफ स्टॉफ जेड भी कैरी करती हूँ मैं उसके कफ के लिए। लास्ट में एलसी की DT मैंने आपको बताया था वो कैरी करती हूँ। अभी ये दो चीज़ मेरे बॉक्स में अवेलेबल नहीं है पर मैं सुन उसको भी भर दूंगी क्योंकि मैं विदाउट मेडिसिन ट्रैवल नहीं कर सकती। नेक्स्ट बेसिक चीज़ डेटॉल, 2-3 ईयर्स का बच्चा है तो कंपलसरी ये चाहिए, उससे बड़े भी रहे तो चाहिए पर 2-3 ईयर्स के बच्चे बाहर जाते हो तो इतनी मस्ती करते हैं कब चोट लग जाएगा पता नहीं चलता है, तो ये डेटॉल ज़रूरी है। और साथ ही हैंड सैनिटाइज़र भी, अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं कहीं भी ट्रैवल कर रहे तो इसको बहुत ज़रूरी है। ये देखें डेटॉल का हैंड सैनिटाइज़र है मेरे पास। नेक्स्ट मैं सोफिनॉक्स रखती हूँ अपने साथ चोट वगैरह लग गई तो, और कॉटन भी रखिएगा। कॉटन भी मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, मैं उसको भी फिल कर लूँगी। मैं ट्रैवल करने वाली हूँ 2 तारीख को तो उसके पहले मैं सब अरेंज कर लूँगी। आर्क स्प्रे रखती हूँ, ये अपने लिए रखती हूँ बच्चों के लिए नहीं। ये देखिए इसका कैप मेरे बेबी ने कहीं खो दिया पर मैं ये रखती हूँ। नेक्स्ट इबुजेसिक भी रखिएगा, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। इबुजेसिक रखिएगा क्योंकि ईयर इन्फेक्शन मोस्टली नाइट टाइम में होता है, ट्रैवलिंग के टाइम में अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो ईयर इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं ठंडी हवा जाने के कारण। इबुजेसिक ज़रूर रखिएगा अपने इसमें, मैं रखूँगी उसको जाने के पहले, ट्रैवल करने के पहले मैं ज़रूर उसको फिल कर दूँगी। इबुजेसिक के साथ साथ मैं विक्स रखूँगी, बेबी विक्स, और अमृतांजन रखूँगी अपने लिए, पेन किलर अपने लिए, पैरासीटामोल, ये सब मैं रखती हूँ। बेसिक चीज़ें ही रखती हूँ और ट्रैवल करती हूँ, कोई रिस्क मत लीजिए बच्चों के साथ जब ट्रैवल करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है ये सब। बेसिक चीज़ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रैवल करने के पहले। सो फिलहाल तो अभी इतना ही है मेरे पास और मैं आप लोगों के साथ इतना छोटा सा वीडियो शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या मैं ट्रैवल के टाइम पर रखती हूँ। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहूँ। तब तक के लिए फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। मेरा नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, मैं ह्यूमिडिफायर के ऊपर अपना नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ सो वो वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।